दूसरा विश्व युद्ध मानवता पर एक ऐसा धब्बा है जो हमेशा बना रहेगा। माना जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध ने करीब 1,20,00,000 लोगों की जान ली थी। 200 से अधिक राजनीतिक बंदियों को जलाकर मार डाला गया। It is not about who did it. We as human beings, that's what we do. बात यह नहीं है कि ये किसने किया। इंसानों के रूप में हम दुर्भाग्य से अभी तक ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जिस तबाही की बात कर रहे हैं वो किसी बम के रूप में नहीं आएगी। यहां कोई धमाका नहीं हो रहा, ये चुपचाप हो रहा है। दुनिया का हर जिम्मेदार वैज्ञानिक कह रहा है कि सन 2045 तक हम दुनिया में 40% कम भोजन पैदा कर रहे होंगे और हमारी आबादी 9.2 अरब लोगों की होगी। अगर ऐसा हुआ तो दूसरा विश्व युद्ध भी इसके आगे छोटा लगेगा, क्योंकि अगर 40% कम भोजन उपलब्ध होगा तो ऐसा अनुमान है कि 6 महीनों में लगभग 1.5 से 1.7 अरब लोग मर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, पानी की क्वालिटी, पानी का लगातार उपलब्ध होना, जैव विविधता, भूमि हड़पना, राजनीतिक स्थिरता, मानव स्वास्थ्य, खुशहाली, शांति, समृद्धि, मिट्टी इन सब का मूल आधार है। मिट्टी वो बुनियादी चीज है जिस पर धरती का हर प्राणी निर्भर करता है। इंसानों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का 95% हिस्सा मिट्टी से आता है। मानव और पशुओं की सभी एंटीबायोटिक दवाओं में से करीब 95% मिट्टी से आती हैं। तो मिट्टी और जीवन एक साथ विकसित हुए हैं। जीवन के बिना मिट्टी नहीं हो सकती और मिट्टी के बिना जीवन नहीं हो सकता। मुट्ठी भर मिट्टी में 5 से 7 अरब से भी ज्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं, और जैसे हमारा शरीर काम करता है वैसे ही जो खाना हम खाते हैं दरअसल उसे हम खुद से पूरा नहीं पचा सकते। इसे पूरी तरह से पचाने के लिए जरूरी एंजाइम्स और एल्कलाइन्स हमारे अंदर नहीं होते। हमारी आंत के सूक्ष्म जीवाणुओं या माइक्रोब्स के कारण ही हम भोजन को पचा पाते हैं। यही बात सभी पौधों और पेड़ों के लिए भी सच है। वो मिट्टी से पोषक तत्व खुद नहीं खींच सकते, उन्हें सूक्ष्म जीवों की मदद की जरूरत होती है। अच्छे बैक्टीरिया, अच्छे फंगस, प्रोटोजोआ, नेमेटोज, माइक्रो आर्थ्रोपोड्स, केंचुए, एंकिट्रेट्स, ये सभी जीव एक अच्छी स्वस्थ मिट्टी के लिए जरूरी हैं, ताकि आपके पौधे को हर वो चीज संतुलन में मिले जिसकी उसे हर दिन हर सेकंड जरूरत होती है। मिट्टी के पहले 12 से 15 इंच ये धरती के 87% जीवन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं। आज हम ऐसी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लगभग 12 से 14 इंच की गहराई तक जुताई कर रही हैं और उसे धूप में खुला छोड़ रही हैं। ये अपनी चमड़ी को उधेड़कर धूप में खड़े होने जैसा है। आप चीखने लगेंगे, जमीन भी यही कर रही है। जमीन चीख रही है लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। जमीन को जोत कर खुला छोड़ दिया जाता है जिससे सभी सूक्ष्म जीव मर रहे हैं। देखिए अभी यहाँ के सूक्ष्म जीव, इनका भोजन सिर्फ एक ही चीज है, जैविक सामग्री।
जैविक सामग्री कहाँ से आएगी? यहाँ आप इन सभी गिरे हुए सूखे पत्तों को देख रहे हैं। हम ना तो उन्हें उठाएंगे और न ही झाड़ू लगाकर दूर करेंगे। हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये मिट्टी का हिस्सा बन जाएंगे। सिर्फ पेड़ों का हरा कचरा, चाहे वो घास हो या झाड़ियां, जो भी, या जानवरों के मलमूत्र ही मिट्टी में जैविक सामग्री डाल सकते हैं। सामान्य खेती की मिट्टी में जैविक सामग्री कम से कम 3-6% के बीच होनी चाहिए। कम से कम 3% तो होनी ही चाहिए। 3% एक तरह की सीमा रेखा है, जिसके बाद हर तरह के माइक्रोब्स के लिए मिट्टी में मौजूद भोजन में हर तरह की विविधता होगी, यानी सूक्ष्मजीव अपना काम कर पाएंगे। पश्चिमी दुनिया के ज्यादातर हिस्से में हमने अलग अलग तरह के काम करने वाली ऐसी कई प्रजातियों को इस तरह नष्ट कर दिया है कि हम लगभग उस मुकाम पर खड़े हैं जहां से हम वापस नहीं आ पाएंगे। भारत की 62% से अधिक मिट्टी में जैविक सामग्री 0.5% से भी कम है। पूरे दक्षिणी यूरोप में मिट्टी की जैविक सामग्री लगभग 1% या उससे भी कम है। पूरे अमेरिका में 50% से अधिक ऊपरी मिट्टी खत्म हो गई है। आपने सुना है कि डायनासोर्स का विनाश हो गया था, डोडो का विनाश हो गया था, लेकिन ये मिट्टी के विनाश का सवाल है। देखिए, ये रेत है। अगर आप इसमें पर्याप्त जैविक सामग्री डालते हैं तो ये समृद्ध मिट्टी बन जाएगी। इसी तरह अगर आप मिट्टी से सारी जैविक सामग्री निकाल लें तो वो रेत बन जाएगी। तो इसे दुनिया का रेगिस्तान बनना कहा जाता है। दुनिया भर में खेती की मिट्टी रेत बन रही है, ये रेगिस्तान में बदल रही है, जो पूरी दुनिया में हो रहा है, क्योंकि मिट्टी में जैविक सामग्री नहीं है। अभी हम जिस मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं वो हमारी पीढ़ी की मिट्टी नहीं है। हम उस बच्चे की मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। हमें ऐसा करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मिट्टी हमारी संपत्ति नहीं है। ये एक विरासत है जो हमें मिली है, और जीवित मिट्टी की ये विरासत हमें छोड़कर जानी चाहिए, क्योंकि जब मिट्टी में समृद्धि नहीं होगी तो जीवन में समृद्धि का कोई रास्ता नहीं होगा। अभी अमेरिका के आंकड़े कह रहे हैं कि हमारे पास शायद खेती के लिए केवल इतनी मिट्टी बची है कि उसमें सिर्फ 80-100 फसलें उगाई जा सकें, यानी ये सिर्फ 40-50 साल की बात है। उसके बाद भोजन की गंभीर कमी हो सकती है, और अच्छी जैविक भूमि या मिट्टी प्राप्त करना इस धरती पर लड़ाइयों का कारण बन जाएगा। लोग सामूहिक विनाश के हथियारों, परमाणु बम और मिसाइल और दूसरी चीजों की बात करते हैं। हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी में जो हुआ था उसे माफ नहीं किया जा सकता। हम भूल रहे हैं कि सामूहिक विनाश का सबसे बड़ा हथियार है भूख। कुपोषण, गरीबी, स्वस्थ पर्यावरण की कमी, आज भी दुनिया में हर मिनट 16-17 मौतें भूख से होती हैं। दोस्तों, ये एक सामूहिक विनाश का हथियार है। अब दिसंबर 2019 में दुनिया में 61.90 करोड़ लोग भूखे थे। उसमें से 4 करोड़ भूखे लोग अमेरिका में थे।
तो ये सिर्फ टिम्बकटू में या भारत के किसी हिस्से में या कहीं और नहीं हो रहा, ये अमेरिका में भी हो रहा है। मैं WFP के निर्देशक से बात कर रहा था जो अमेरिका से हैं। उन्होंने कहा कि सन 2035 तक शिकागो और इलिनॉय इलाकों में भयंकर अकाल पड़ सकते हैं, क्योंकि मिट्टी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि ऐसा आसानी से हो सकता है। ग्रह युद्धों की आशंका है। सन 2035-2040 तक देशों के भीतर कई ग्रह युद्धों की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि उन देशों में सभी के पास पर्याप्त भोजन नहीं होगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से झगड़े होंगे। अगर भारत में 40% कम भोजन है, यानी 40% लोगों के पास भोजन नहीं है, आपको लगता है कि वो सिर्फ भूखे होकर एक कोने में बैठे रहेंगे? नहीं, वो ऐसे काम करेंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको समझना चाहिए, सभी मानव सभ्यताएं बनी हैं सिर्फ पेट की आग की वजह से, इसे बुझाने के लिए। वही आग जिसने मानव सभ्यताएं बनाई हैं, अगर उसे बुझाया नहीं गया तो वो सभ्यताओं को मिटा भी सकती है। इसे कम मत आंकिए। सन 1990 के बाद से अफ्रीका में लगभग 30 युद्ध हो चुके हैं। इनमें से 27 युद्ध उपजाऊ मिट्टी हासिल करने के लिए लड़े गए थे। विश्व की महान क्रांतियां 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति मूल रूप से रोटी के लिए हुई थी। उनका नारा भी यही था, शांति, भूमि और रोटी। यही रूसी क्रांति का नारा था। फ्रांस में भोजन की कमी ही फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण थी। चीन में जो हुआ, तथाकथित सांस्कृतिक क्रांति, वो पूरे देश में बार बार हो रहे अकालों के कारण हुई थी। और जब सड़क में रोटी नहीं मिलती तो लोगों को भड़काना बहुत आसान होता है। अगर आप शांति चाहते हैं तो सभी के पास ब्रेड होनी चाहिए, रोटी, भोजन। अगर भोजन नहीं है तो शांति भी नहीं होगी। बात इतनी सरल है। मिट्टी इंसानी पर्यावरण का वो हिस्सा है जिस पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। मिट्टी के खराब होने का मतलब है पैदा होने वाले भोजन को आज के लिए और हमेशा के लिए खराब और बर्बाद होने देना। इंसानों को दूसरे जानवरों की तरह ही काफी जटिल आहार और कई पोषक तत्वों की जरूरत होती है, और ये पोषक तत्व हम अपने भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और वो मूल रूप से मिट्टी पर निर्भर है। ऐसी मिट्टी जो पोषक तत्वों और मिनरल्स से भरपूर है, ये स्वस्थ आहार की एक जरूरी शर्त है। हमारे भोजन के पोषक तत्वों और आहार की क्वालिटी और मिट्टी की क्वालिटी के बीच एक सीधा संबंध है। तो कई लोग इसे अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। आपको मिट्टी में पोषक तत्व डालने होंगे, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सूक्ष्म पोषक तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जैविक सामग्री, ऐसी चीजें जो मिनरल से भरपूर हैं, इसे किसी न किसी रूप में मिट्टी में वापस डालना ही होगा, तभी मिट्टी उपजाव होगी। मिट्टी भूसा, अनाज और जड़ें पैदा करती है। मेरा मानना है कि अगर लोग अनाज ले लें और जड़ों और भूसे को मिट्टी में वापस डाल दें, ताकि मिट्टी को उत्पादन का अपना हिस्सा मिल सके, तो ये अच्छा होगा। अगर आप भूसा निकाल लेते हैं तो मिट्टी को कुछ नहीं मिलता, तो लगातार मिट्टी की क्वालिटी खराब हो रही है, उसके जरूरी तत्व खत्म हो रहे हैं। इसी को मिट्टी की सेहत खराब होना कहते हैं। और जब मिट्टी की सेहत खराब होती है तो उस पर रहने वाले लोग भी ज्यादा से ज्यादा दुख पाते हैं।
अमेरिका में मिट्टी की क्वालिटी खराब होने के कारण विटामिन ए में 21% की गिरावट आई है। सभी फलों, सब्जियों और उन सभी दूसरी चीजों में जिन्हें आप खाते हैं, विटामिन सी में 30% की गिरावट, लोहे के स्तर में 37% की गिरावट, कैल्शियम के स्तर में 27% की गिरावट। जिन चीजों को आज आप सेहतमंद मानते हैं, सलाद और वैसी चीजें, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में उनमें जितने पोषक तत्व थे और आज उनमें जो बचा है वो सिर्फ 10% है। 20वीं सदी की शुरुआत की तुलना में ये 90% कम है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो अभी इस कोविड की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उसका कहना है कि सभी अमेरिकियों में पोटेशियम की कमी है। 90% अमेरिकी लोगों में विटामिन ई की कमी है। 70% लोगों में विटामिन के की कमी है। 52% लोगों में पर्याप्त मैग्नीशियम नहीं है। 43% लोगों में पर्याप्त विटामिन ए नहीं है। 40% लोगों में पर्याप्त विटामिन सी नहीं है। ऐसा सबसे समृद्ध राष्ट्र में है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो खाना आप खा रहे हैं उसमें पर्याप्त पोषक तत्व नहीं है, भले ही आप पर्याप्त खाना खा रहे हो, क्योंकि मिट्टी का इस तरह से विनाश किया गया है। एक गंभीर समस्या जिसका दुनिया अभी सामना कर रही है वो ये है कि सन 2030 तक 1.6 अरब लोगों के पलायन की आशंका है। इसमें से 0.9 अरब लोग अफ्रीका से आएंगे। देखिए, जब लोग अव्यवस्थित तरीके से पलायन करते हैं तो वो एक भयंकर दौर से होकर गुजरते हैं। खासकर महिलाएं और बच्चे, सही योजना के बिना होने वाले पलायनों में वो, जहां उन्हें हर तरह के अनजान इलाकों से मजबूरन गुजरना पड़ता है, उनके साथ भयंकर चीजें होती हैं। किसी के भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी युवतियां, 14 से 18 साल के उम्र के बीच की युवतियों का बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में अगले 8 से 10 सालों में लगभग 22 करोड़ लोग शहरों में चले जाएंगे। मुझे बताइए, क्या आपके शहर में इतनी जगह है कि उसमें और 2-3 करोड़ लोग आ जाएं? ऐसा पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर होगा। हाँ, मिट्टी की वजह से लोग शरणार्थी बने हैं, जलवायु की वजह से लोग शरणार्थी बने हैं, सूखे की वजह से लोग शरणार्थी बने हैं, और वे शरणार्थी जाकर दूसरे लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं। अमेरिका की दक्षिणी सीमा इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लोग मेडिटेरेनियन सागर में कूद रहे हैं, ये जाने बिना कि वे दूसरी तरफ पहुंच पाएंगे या नहीं। ये एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। लाखों लोग शरणार्थी हैं, क्योंकि जिस जमीन पर वे पले बढ़े हैं वे उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। आखिरकार समाधान यही है कि हमें यह पक्का करना होगा कि मिट्टी उनकी मदद करे। मिट्टी की क्वालिटी खराब होने और दुनिया के मुद्दों में बहुत मजबूत संबंध है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन, तो वर्तमान सभ्यता को मैं कार्बन सभ्यता कहता हूं। हम जो कुछ भी करते हैं वो कार्बन पर आधारित है, फॉसिल ईंधनों के कार्बन पर, और इसलिए हमने न केवल फॉसिल ईंधनों को बल्कि मिट्टी के कार्बन को भी कम किया है। कार्बन की सबसे ज्यादा मात्रा हमेशा मिट्टी में होती थी, पर अब इसका ज्यादातर हिस्सा वातावरण में है, जहां उसे नहीं होना चाहिए। अगर यह वातावरण में मिल जाता है तो जैसा कि आपने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में सुना है, वो सभी प्रभाव होते हैं। पर इसका लगभग 40% बस इसलिए हो रहा है क्योंकि मिट्टी को खुला छोड़ दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान है खेती की जमीन या खुली छोड़ दी गई जमीन। वही मिट्टी जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सोख लेती थी,
अब वो उसमें कार्बन छोड़ रही है, सिर्फ इसलिए कि हम मिट्टी को खुला छोड़ रहे हैं और उसमें कोई जीवन या सूक्ष्म जीवों की गतिविधि नहीं है। जब दुनिया का औसत तापमान शून्य से एक हो जाता है तो एक बड़ी बात है। एक से दो होना ये बहुत बड़ी बात है। दो से आगे बढ़ना यानी आप आपदा का सामना करने वाले। अब हम 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने की ओर बढ़ रहे हैं और हमने ऐसा बहुत जल्दी कर दिया। मेरा मतलब है पृथ्वी पर तापमान बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि हम पौधों के माध्यम से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं और इसे वापस मिट्टी में डाल सकते हैं। तब हम वातावरण से कार्बन को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को एक कम गंभीर समस्या बना पाएंगे। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अमेज़न के वर्षावनों का ब्राजील का हिस्सा, जो हजारों सालों से एक कार्बन सोखने वाला कार्बन सिंक था, ये धरती के सबसे महत्वपूर्ण कार्बन सिंक्स में से एक था, पर अब ये कार्बन का स्रोत बन गया है। तो ये पहले ही बदल चुका है और ये जितना कार्बन ले रहा है उससे ज्यादा कार्बन छोड़ रहा है। तो अब मिट्टी पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। ये हमारे अस्तित्व का सवाल बन चुकी है। देखिए, इस धरती की पूरी जीवन प्रक्रिया कार्बन पर आधारित है, तो यही बात घास के तिनके पर लागू होती है, नारियल के पेड़ पर लागू होती है, इस धरती के हर दूसरे प्राणी पर लागू होती है। सभी की बुनियाद कार्बन है। ये सारा कार्बन कहां से आ रहा है? इस धरती पर सृष्टि के विकास की प्रक्रिया का एक महान चमत्कार है फोटोसिंथेसिस। सूर्य से आने वाली असीमित ऊर्जा का उपयोग करके वातावरण में कार्बन को सोखा जाता है और ये कार्बन लाखों सूक्ष्म जीवों या माइक्रोब्स के माध्यम से प्रक्रियाओं की एक पूरी श्रृंखला से गुजरकर मिट्टी में जमा हो जाता है। What gets stored in this way? सूक्ष्म जीवों के 3-4 चक्रों से इस तरह गुजरकर जो कार्बन जमा होता है वो कम से कम 1000 वर्षों तक जमा रहता है। हम बदलाव लाने वाली एक भूवैज्ञानिक शक्ति बन गए हैं। हम एक ऐसा खतरा है जो ना सिर्फ अपने आसपास के पर्यावरण तंत्र और रहन सहन को अस्थिर कर रहा है, बल्कि पूरी धरती को अस्थिर कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि हमारे पास सिर्फ 60 साल तक खेती करने के लिए मिट्टी बची है, तो 50 सालों के अंदर धरती पर एक गंभीर भोजन का संकट आएगा। शायद एक बड़े अकाल को रोकना मुश्किल होगा। मुझे पता है कि लोग हमेशा कहते हैं कि हम केवल 60 साल और खेती कर पाएंगे। हाँ, लेकिन वो बात हमने 10 साल पहले ही कह दी थी। अब सिर्फ 50 साल बचे हैं। मिट्टी खुद जीवित है, इसमें कई सारे प्राणी रहते हैं और जब वो प्राणी मार दिए जाते हैं तब मिट्टी स्वस्थ नहीं रहती, मिट्टी जीवित नहीं रहती। मिट्टी पर्यावरण के तंत्र को सेवाएं नहीं दे पाती। जब मिट्टी मरती है तो उसके साथ सब कुछ मर जाता है, हम भी। अगर हम इसे अभी ठीक करना शुरू कर दें, तो 15 से 25 सालों में हम काफी हद तक सुधार कर सकते हैं। हम उस मुकाम से दूर आ सकते हैं जहां हम पहुंच चुके हैं। पर अगर हम इसे 30 से 40 साल तक ऐसे ही छोड़कर फिर ऐसा करने की कोशिश करें तो मिट्टी में फिर से जान फूंकने में 150 से 200 साल लगेंगे। तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हर चीज की बस एक बुरी तस्वीर सामने लाई जाए। This is a moment of responsibility. ये एक जिम्मेदारी का पल है कि इंसानों के रूप में अगर अभी हम उठ खड़े हों तो हम इसे पलट सकते हैं। मिट्टी शरीर की संरचना और इंसानी जीवन का आधार है, पर हमें यह भी पता है
कि हम इंसानों का पेट भरने के लिए प्रकृति को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे धरती की स्थिरता को खतरा होगा और धरती ही इंसानों और सभी प्रजातियों के जीवन की बुनियाद है। इसलिए अब हमें मिट्टी की देखभाल करनी चाहिए। जहां तक मिट्टी की खराब होती क्वालिटी की बात है, तो कुछ करने के मुकाबले कुछ न करना हमें कहीं ज्यादा महंगा पड़ेगा। लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है जो किसान खुद कर सकते हैं। इसके लिए अगर वैश्विक नहीं तो एक बड़ी क्षेत्रीय पहल होनी चाहिए। मिट्टी की क्वालिटी खराब इसलिए हुई है क्योंकि हमने वो जैविक सामग्री मिट्टी में वापस नहीं डाली है जो हमने उससे बाहर निकाली है। तो हम ये देख रहे हैं कि 192 देशों में ऐसी नीति कैसे बनवाई जाए जिससे ये नियम बन सके कि अगर किसी के पास खेती की जमीन है तो उसमें कम से कम 3-6% जैविक तत्व होना चाहिए। कानूनन, शुरुआत में सिफारिश से, फिर प्रोत्साहन से और फिर कानून से, जरूरी कानून से ऐसा होना ही चाहिए। अगर ऐसा कानून नहीं होगा तो हम नहीं जानते कि लोग कल क्या करेंगे। हमने यही किया है ना, पिछली पीढ़ी से इस पीढ़ी तक एक पीढ़ी में ही हमने इसे बर्बाद कर दिया है क्योंकि कोई कानून नहीं था। अगर ऐसा कानून होता कि मिट्टी में कम से कम इतना जैविक तत्व होना चाहिए तो हमने उसे वैसा ही रखा होता। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है कानून बनाना। कानून लाने के लिए किस चीज की जरूरत है? देखिए, ये लोकतंत्र है, यानी लोग ही ताकत हैं, ये जनता की शक्ति है, इसका यही अर्थ है। तो अभी आपके हाथ में दो बहुत शक्तिशाली चीजें हैं, एक है आपका वोट और दूसरा आपका माइक्रोफोन, हेलो, यानी आपकी आवाज। तो ये महत्वपूर्ण है कि दुनिया के लोगों को ये कहना होगा कि हम लंबे समय के समाधान के लिए तैयार हैं, हम लंबे समय के कमिटमेंट के लिए तैयार हैं, हम एक लंबी मेहनत के लिए तैयार हैं, हम आने वाली पीढ़ियों की खुशहाली के लिए कीमत चुकाने को तैयार हैं। इसीलिए इस मिट्टी बचाओ अभियान का उद्देश्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है नीति में बदलाव लाना। इसके एक हिस्से के रूप में मैं 65 साल का हूं और मैं नागरिकों का समर्थन जुटाने के लिए 24 देशों से गुजरते हुए मोटरसाइकिल से 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा हूं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन 100 दिनों में करीब 3-3.5 अरब लोग मिट्टी के बारे में बात करें। 21 मार्च से लेकर 100 दिन तक हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया मिट्टी के बारे में बात करे। UNCCD इसमें हमारे भागीदार हैं। हमने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ भी कुछ साइन किया है और FAO और दूसरे संगठनों के वैज्ञानिक हमारे साथ काम कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी बिल्कुल हमारे साथ है। इसमें ज्यादातर सरकारें शामिल हो गई हैं। राज्यों के प्रमुख इस रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। अभी मैं यही रचने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 3.5 अरब लोग बोलते हैं तो ये मतदाताओं का 60% होगा। अगर 60% मतदाता बोलते हैं तो ऐसी कोई सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक रूप से स्थापित सरकारों में इसे अनदेखा करेगी। इसे संभव बनाने के लिए आप सभी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। दुनिया के कई लीडर्स और प्रभावशाली लोग पहले से ही इस अभियान में भाग ले रहे हैं। इसका हिस्सा बने और आइए इसे संभव बनाएं। For my part, as much as I can contribute. And the movement that you are taken up, I could not expect any more God's blessing than that. Sadhguru, and this campaign is so important. We're going to save the soil. Do your part. And saving the soils. And our planet's future. Depend on it. Sadhguru, save soil, my friend. Save soil. Let's make it happen. DM Barbuda is part of the Save Soil mission. We commend you for what you're doing. That is why we are happy to sign the MOU. The science and philosophy that backs the thought behind you is tremendous. Save soil. Let's make it happen. Save the soil. We know what we must do, so let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen.
Let's make it happen. Let's make this happen. Let us make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen.